एक हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सैया माकटी मोटर मार्ग नहीं खुल पाया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग विभाग द्वारा ढिलाई बरतने को लेकर साथ ही कार्य में घटिया गुणवत्ता को देख कर काफी नाराज दिख रहे हैं। नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण हुए भू कटाव की वजह से और सिंचाई विभाग की लापरवाही, जिन्होंने इसमें सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई, जिसकी वजह से सैया माकटी जो मोटर मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को लेकर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर 50 गांव को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग, जो किसान हैं उनको बहुत समस्याएं हैं, वो अपनी नकदी फसलों को मंडी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। बहुत ज़्यादा परेशानी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, पकड़ के आना पड़ता है, नीचे से गिर रहा ऊपर से गिर रहा है, वो कैसे आए, बहुत समस्या हो रही है आने जाने में। भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, हर तरफ तबाही मची हुई है, जगह जगह भूस्खलन हुआ है। सैया से माकटी जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, 50 से अधिक गांवों का संपर्क मार्केट से टूट चुका है। काश्तकारों को अपनी नकदी फसलों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, लेकिन विभाग सुस्त चाल से कार्य कर रहा है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गंभीर सिंह चौहान ने भी विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराजगी जताई है। साथ ही जनता दरबार में जिला अधिकारी से मामले को लेकर शिकायत पत्र भी दिया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दे हैं उस पर आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं। अभी हाल ही में इतनी बारिश हुई है और उस बारिश के कारण और जो अमलाव नदी है सैया से लगी हुई, उसके जल भराव के कारण वहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके जो सैया से जो लगा हुआ रास्ता है ऊपर करीबन 40-50 गाँव के लिए जो रास्ता जाता है मोटर मार्ग है, उसके नीचे के जितने भी वहाँ मकान बने हुए हैं लोगों के या व्यावसायिक कोई दुकानें वगैरह है और सरकारी संस्थान सरकारी विभाग के वहाँ कार्यालय हैं, तो वो सारे बिल्कुल खतरे के जद में हैं। पर दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि स्थानीय शासन प्रशासन बिल्कुल नींद में है, मौन है, और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं क्षेत्र में इस इतने ज्वलंत मुद्दे पर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो अभी हाल में ही शनिवार को हमारा चक्रोता कालसी और सैया जाना हुआ था और जिसमें कि आपकी टीम भी साथ में थी, तो हमने मौका मुआयना देखा हमने स्थल पे जा कर के, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसलिए हमने आज जिलाधिकारी देहरादून के जनता दरबार में इस क्षेत्र के समस्याओं को देखते हुए आपदा की जो इतनी स्थिति बनी हुई है ख़राब कि जिससे पूरे वहाँ पे स्थानीय लोग बिल्कुल इस स्थिति में आ चुके हैं कि मकान गिरने की अवस्था में हैं और जो सरकारी विभागों के जो कार्यालय वो भी गिरने की अवस्था में, हमने आज जिलाधिकारी देहरादून से जनता दरबार में मुलाकात करी है और इसके संबंध में हमने जल्द ही सुरक्षात्मक कार्य और सहयोगात्मक कार्य और मुआवजे की मांग करी है और इसमें तत्काल ही प्रभाव से इसमें कार्रवाई हो। जिलाधिकारी में इसमें ADM को और SDM को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश पारित करे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। गुणवत्ता को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो गुणवत्ता को लेकर तो क्षेत्र में अभी जितने भी सरकारी योजनाएं हो चाहे सरकारी मोटर मार्ग हो जितने भी बन रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक बन रहा हो, सारे घटिया गुणवत्तापूर्वक कार्य हो रहे हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं जो टेक्नीशियन हमारे सरकारी विभाग के यार जो उसमें जो ठेकेदार है सब कुछ मौन है। इसी के चलते हम यदि हम इस घटनाक्रम की सैया की हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि पहले भी अमलाव नदी में इसमें सपोर्टर के लिए कुछ RCC के जो पैनल बनने थे, इसमें साइड साइड में जो RCC के जो कॉलम बनने थे वो पहले भी बने हैं और वो भी ठेकेदारों ने पैसा खा करके बना करके कच्चे पक्के काम करके इतिसीरी करके पैसा खा गए। अभी वर्तमान में भी क्या यहाँ के लिए जो पैसा आया था
अभी अब कल परसों में तत्काल प्रभाव से ही इसमें अब टेंडर प्रक्रिया तो नहीं हुई, तो इसमें तत्काल ही इन्होंने सिलेक्शन बॉन्ड की प्रक्रिया कर दी है जिसमें ठेकेदारों की भी मौज हो गई है। अब इसमें कुछ नहीं, जो वहाँ अभी कार्य हो रहा है कल परसों उसमें कोई ये नहीं देख रहा है कि जिनके अभी सिलेक्शन बॉन्ड हुए हैं कि क्या वो गुणवत्तापूर्वक कर रहे हैं कार्य की नहीं कर रहे हैं। उसमें बजरी रहते कि बजे पे तो मिट्टी लगा रहे हैं, सीमेंट के नाम पे सीमेंट नहीं लगा रहे हैं, तो वो तो केवल खानापूर्ति वाले काम है, करोड़ों के काम है, करोड़ों के पैसे हाजम कर जाएंगे, वो तो कार्य का इतिश्री करके उसमें कुछ नहीं, कल के डेट में फिर वापस वही स्थिति खड़ी होनी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है शासन प्रशासन से कि जो काम हो वो गुणवत्तापूर्वक हो, और अभी हाल में जो जिन लोगों को आपदा से खतरा है उनको सुरक्षात्मक कार्य तत्काल प्रभाव से मुहैया कराया जाए।